उज्जैन के शासकीय जीवाजी वेशशाला में दिखी खगोलीय घटना आज दिन व रात बराबर कल से रात बड़ी और दिन छोटे होंगे। खगोलीय घटना में 23 सितंबर को दिन और रात बराबर रहे, 12 घंटे की रात और 12 ही घंटे का दिन रहा, ऐसा सूर्य के विषुवत रेखा पर लंबवित होने से होता है। आज के बाद से अब दिन छोटे और रात बड़ी होने लगेगी। खगोलीय दृष्टि से शनिवार का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि शनिवार 23 सितंबर का दिन व रात बराबर रहे, अर्थात 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होगी। प्रतिवर्ष 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवित रहता है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध से गमन करता हुआ आज दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। यही कारण है कि आज के बाद कल से उत्तरी गोलार्ध के देशों में रात बड़ी और दिन छोटे होना शुरू होंगे। यही क्रम 22 दिसंबर तक रहेगा। 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होगा। इसके बाद फिर 21 मार्च को दिन व रात बराबर होंगे। ज्ञात हो कि इस खगोलीय घटना को शरद संपात भी कहा जाता है। 23 सितंबर है और 23 सितंबर को आज सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत चमकता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। आज के पहले यानी कि 22 सितंबर सूर्य हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में था, और दिन और रात की अवधि की यदि हम बात करें तो अभी तक दिन की अवधि ज़्यादा यानी कि दिन बड़े और रातें छोटी थी तुलनात्मक रूप से, किंतु आज क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत है इसलिए दिन और रात दोनों की अवधि बराबर यानी कि आज 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। आज के बाद से 23 सितंबर के बाद से अब सूर्य हमारी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और अब दिन की अवधि तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे कम यानी कि दिन छोटे होने लगेंगे और रात की अवधि बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आगे बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पहुंचेगा तब 22 दिसंबर फिर वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। दूसरा यह है कि आज जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत है तो सूर्य ने सायन तुला राशि में ही प्रवेश कर लिया है, और इस घटना को वेशशाला के शंकु यंत्र के माध्यम से देखा गया है या पूरे दिन आप देख सकते हैं। दूसरा वेशशाला का जो एक और दूसरा यंत्र है नाड़ी वाला यंत्र, उस नाड़ी वाला यंत्र के द्वारा भी हम सूर्य के गोलार्ध परिवर्तन की स्थिति यानी कि 22 सितंबर को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था तो उसके उत्तर वाले भाग पर धूप आ रही थी, आज 23 सितंबर को जब विषुवत रेखा पर है तो नाड़ी वाले यंत्र के दोनों भाग पर धूप नहीं है। आज के बाद यानी कि 24 सितंबर से जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो नाड़ी वाले यंत्र के दक्षिण वाले भाग पर धूप आएगी, यानी कि हम नाड़ी वाले यंत्र के द्वारा सूर्य के गोलार्ध परिवर्तन की स्थिति अभी देख सकते हैं। ये आज हमारे द्वारा देखी गई।